जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। इसमें हमें यूक्लिड की विधि से HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे नंबर्स हैं 196 और 38220, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो 38220 बड़ा है तो उसे हम पहले लिख देंगे, और 196 हमारा छोटा है उसे हम बाद में लिख देंगे, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसको करना है भाग, तो बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर, यानी कि 196 से हम 38220 को करेंगे भाग, ठीक है। अब 196 की टेबल सभी बच्चों को नहीं आती है, तो उसके लिए हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 196 एकम 196, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1। 186 आया, ऊपर से उतारा 2, तो हमारा बन गया 1862। लेकिन इसे अब हम 196 की टेबल में कैसे देखेंगे कि 1862 से पहले या 1862 कैसे आता है। तो 196 को हम 9 से कर देंगे गुणा, ठीक है। 6 निम 54 का 4, ऊपर 5 चला गया, 9 निम 81 और 5, 86 का 6, यहाँ पर आया 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो हमारा आ गया 1764। यानी कि 196 को जब हमने 9 से गुणा किया तो हमें मिला 1764, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1764 और यहाँ पर लिख दिया 9। 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया तो 9। अब ये 0 को हम यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब 196 को हम करेंगे 5 से गुणा, ठीक है। 5 30 का 0, 3, 5 निम 45 और 3 48 का 8, ऊपर 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो हमें मिला 980। यानी कि 196 को 5 से गुणा करने पे हमें मिला 980, तो यहाँ पर हमारा पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 980, 980 में से 980 गया तो हमें मिला 0, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, 38220 बराबर 196, यानी कि ये, ठीक है, 196 गुणा 195, यानी कि जो भागफल है हमारा उसे हम लिख देंगे गुणा में, और प्लस में लिख देंगे 0, जो कि हमारा शेष है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हुआ, 196, हमारा HCF हुआ 196, ओके। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।